अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे स्पेशल एक बर्गर, बच्चों की फेवरेट और यम्मी बनकर रेडी होने वाली बर्गर है ये। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल ले लेंगे, इसमें देखिए 3 अंडे, 3 अंडे ऐड कर देंगे अपन उस तरह से। अब इसमें चंद स्पाइसी मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। देखिए नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिए आप लोग, मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर दी। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे, ये ग्रीन ऑनियन है, प्याज की पत्ती है, हरा धनिया और बारीक से चॉप कर ली हरी मिर्च है। अगर बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे पूरा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 चम्मच की मदद से, पूरा अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये 1 मीडियम साइज़ प्याज है, बारीक से चॉप कर ली मैं, ये भी इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे अंडे के साथ। देखिए अंडे का बैटर बनकर रेडी हो गया, एक साइड में रख लेंगे अब। अब देखिए ये बर्गर बन ले ली मैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से, चाकू की मदद से इस तरह से राउंड शेप में ही दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखकर करिए। अब क्या करेंगे, देखिए 2 हिस्सों में कर ली मैं, अलग से डिवाइड हो गए हमारा बन बर्गर बन। अब एक साइड में रख दूंगी मैं। अब क्या करेंगे, एक पैन हीट करने रख देंगे। अब 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, जो बन है वो उसको पूरा मेल्ट होने के बाद बन इसके ऊपर इस तरह से सेक लेंगे। जो बन का नीचे का हिस्सा है ना, नीचे का पार्ट वो ले लेना है। अब इस पे देखिए टमाटर सॉस ऐड कर देंगे, 3 टीस्पून टमाटर सॉस ऐड करके अच्छे से पूरे हिस्सों में फैला लेंगे अपन। अब क्या करेंगे, ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये भी इसमें ऐड कर देना है। अब क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, एक साइड में रख लेंगे। अब देखिए मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल है ये। ऑयल के हीट होते ही देखिए ये जो अंडों का बैटर है वो इसमें ऐड कर देंगे, जो अपन स्पाइसी मसाले ऐड करे थे उसमें अच्छे से फैला लेंगे अपन अच्छे से इस तरह से। अब एक तरफ अच्छे से पक जाना है, पूरा गोल्डन ब्राउन आ जाना है अंडे का कलर 1-2 मिनट के बाद। देखिए अब फ्लिप कर लूँगी मैं, एक साइड हो गया, इस तरह से हो जाना है हमारा ऑमलेट। देखिए अब क्या करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी मैं इस तरह से। अब ये भी अच्छे से गोल्डन कलर आ जाना है और एक साइड पक जाना है अच्छे से अंडा। 2 मिनट हो गए हमारे अंडे को पकते हुए। अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं अंडों को भी, जो फ्राई करे सो अंडे है निकाल लेना है। अब क्या करूँगी, वही पैन में थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, अब क्या करेंगे बटर डालकर अच्छे से बन को सेक लेना है 1-2 मिनट के लिए। अब देखिए अंडे के पीसेस जो अपन बनाए फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे, पूरे कवर कर देना है इस तरह से।
अब देखिए चीज़ स्लाइस रख देंगे अपन, फिर ग्रीन चिल्ली सॉस रखकर ये ऊपर का जो कट करे थे अपन पार्ट बर्गर का ब्रेड वाला, ये भी इसमें रख देंगे। चलिए सर्व करके बताऊंगी मैं।